बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूबर। गाइस, आप देख रहे हैं इस वक्त जकी ग्राफिक। तो आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। सो आज आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, आज यार किसी को कॉपी नहीं करना, अपने माइंड से इसको क्रिएट करना है। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला कुछ लाइंस लगाऊंगा। लाइंस की मदद से ऊपर से मैं पेन टूल का यूज़ करके अपने लोगों को जो है वो क्रिएट करूंगा। इसका स्केच पहले आपने अपने नोटपैड पे जो है वो रफ जो है वो आप लोगों ने इसको सबसे बेस्ट आप लोगों को आइडिया दूँ, आप लोग अपना जो है वो लोगो है, रियल क्लाइंट लोगो डिज़ाइन जो होता है उसको आपने क्या करना, अपने माइंड से रफ पहले अपने नोट पैड पर जो है वो उसको क्रिएट कर लेना। उसके बाद उसको आप स्कैन करके अपने सॉफ्टवेयर में ले आएँ और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो वर्क करें, ठीक है। बट मैंने पहले उसको क्रिएट कर लिया, लेकिन मैं अब अपने माइंड से ही इसको डायरेक्ट जो है आप लोग को बताऊँगा कि आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो गाइस, आप मेरे वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो क्लास में। तो आज हम करेंगे AK टेक्सटाइल वालों का लोगो क्रिएट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम कुछ भी यार कर सकते हैं, तो लेकिन यार मिसयूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं गाइस यहाँ पर कुछ लाइन्स यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। और इसका साइज़ बाद में कर लीजिएगा, जो जितना भी आपने करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बिग कर लेता हूँ, इसको दोबारा लगा लेते हैं, ओके। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस। तो यार आपने बिल्कुल ये वाला स्केच रेडी कर लेना। अब यहाँ पे मैंने ये वाला स्केच रेडी किया। अब आप लोगों के माइंड में ये भी बात आ रही होगी कि अब सर ने इसमें लोगों कैसे क्रिएट करना है और पेन टूल का कैसे करना है। पेन टूल का अगर यूज़ करना है तो फिर इन्होंने लाइंस क्यों लगाई है। आप लोगों के माइंड में बहुत सारे जो है वो इस तरह की बातें आती होंगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो चलें गाइस, रियल क्लाइंट लोगों को हम क्रिएट करते हैं और सीखते हैं इसमें हम कि क्या होता है और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर फिनिश करेंगे, ओके। तो पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ से 1, 2, ओके। पेन टूल को लेंगे और इसमें कलर कर लेंगे कोई सा भी फिल, रेड कर लेता हूँ। नहीं यार सारा हो जाएगा, इसको हम कर लेंगे पेन टूल को सेलेक्ट और रेड कलर करेंगे, ओके। तो गाइस अब आप लोगों ने कहाँ से इसको स्टार्ट करना भी ये देखना ज़रूरी है। तो चले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ओके ओके ओके। यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है इस, ओके। 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ पे बिल्कुल। तो ये चीज़ मेरी क्रिएट होगी। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रहने देता हूँ अभी। चलिए थोड़ा सा इसको बोल्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये मैंने क्या क्रिएट किया है। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो गाइस यहाँ पे ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ज़्यादा कर दिया, बट इतना नहीं करना। बैक आता हूँ, कोई बात नहीं, बैक आते हैं, ओके। यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, 1, 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 1, 2, 3 टू लाइन, सॉरी 1, 2 यहाँ पे, तो यहाँ तक मैं लेके आऊँगा, ओके डेट्स गुड। आप देखता हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जो है वो अगर स्केच की मदद से करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैं करूँगा
अगले को, अगले प्रोसेस को करूँगा। तो पेन टूल का लूँगा और अगले प्रोसेस को आप लोगों ने देख लेना यहाँ से। तो अगले प्रोसेस को हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से इसको इसको यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और थोड़ा सा यहाँ पर फुल ही लेके आता हूँ, ठीक है, जितनी मैंने लाइन्स लगाई हैं। इसको यूँ क्रिएट करेंगे और फिर यूँ कर देंगे यार। यहाँ पे आप लोग केयरफुल रह के वर्क करना, ठीक है। जिस तरह लाइन लगाई है बिल्कुल आप लोगों ने इसके ऊपर ही वर्क करना है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लेके आएंगे, थोड़ा सा ऊपर ही ले जाते हैं, ओके यहाँ तक। अब आप लोगों को ये चीज़ उधर क्रिएट करनी है, तो लेकिन आप लोग इस तरह करेंगे इसकी क्यों डुप्लीकेट ले लेते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट की ओके पे क्लिक किया, कहीं कॉपी नहीं आप लोगों ने कर लेना, ओके। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ तक मेरा प्रोसेस ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर आगे मैंने इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, तो गाइस अब हमने करना है पेन टूल का भी यूज़ कर, हमने जो है वो कर लिए, लेकिन यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करना है इसको क्रिएट। लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ले आता हूँ एक साइड पे या ले आता हूँ, चले यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली चीज़ को। करने के बाद अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसके ऊपर यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको यूँ क्रिएट कर दूँगा। ये देखें, ये चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेंगे इसको अनचेक, बिल्कुल यहाँ पे नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह मैंने इसको कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करूँगा दोबारा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में से इसको कर लूँगा, तो यहाँ तक, ठीक है। जितना आपने इस साइड से किया है उतना ही आपने इस साइड से करना है, नहीं तो आप क्या करें, इन चीज़ों को फोर जो है आपकी, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इनको एक साथ लेके आए, ये चीज़, ओके डैट्स गुड। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं चलना करता हूँ, लेकिन चलें इसको सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेंगे और इसकी मदद से इसको करेंगे क्रिएट। यहाँ पे एक अनचेक लगाऊंगा, एक यहाँ पे अनचेक लगाऊंगा और इसको यूँ क्रिएट कर दूंगा, यूँ, ओके। अब इनको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पे इनको अनचेक करेंगे, अनचेक करने के बाद इसको यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। अब मैं गाइस क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इनको, यहाँ तो मैंने इसको क्रिएट कर लिया, एक साइड पे ले जाता हूँ और के इसको लेके आता हूँ इस साइड पे। अगर इसको मैं यूज़ करना चाहूँ तो बाद में कर भी सकता हूँ थंबनेल के लिए, बट यहाँ पे अपने लोगों को लेके आता हूँ। अभी गाइस यहाँ पे मेरा वर्क नहीं ख़त्म हुआ, आगे मैं इसको करने वाला हूँ। पहले इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको एक्सपेंड कर दूँगा, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको गो टू ऑब्जेक्ट और इसको भी एक्सपेंड कर देता हूँ, गो टू ऑब्जेक्ट, इसको भी एक्सपेंड कर देता हूँ, ओके डैट्स गुड। अब यहाँ पे मेरा लोगो जो है वो यहाँ पे इतना क्रिएट हो गया। अब मैं डायरेक्ट सेक्शन टूल लेता हूँ और गाइस इसको इसके साथ मैंने अटैच कर देना, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया और बाद में आपने इसको शेप टूल के मदद से इसको इसके साथ, सॉरी
इसको साथ इसको अटैच कर देना। ओके, इसमें आपने एक ही कलर फिल करना है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लोगो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं गाइज करता हूँ एक बैकग्राउंड शूज। ओके, कोई भी इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं यार, बाद में आप चेंज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेड करना रेड कर लें, ये वाला करना ये वाला कर लें, कोई सा भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये ग्रीन वाला कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे हमने आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, अब इसको सेंड टू बैक करूँगा मैं, ताकि मेरा लोगो ऊपर आ सके। तो इसको मैं वाइट कलर दे दूँगा, आप बाद में कोई भी कलर दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना जो है वो यार, यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम जो है वो AK टेक्सटाइल को जो है वो यहाँ पे लगा दूँगा। ओके, ये इनकी AK टेक्सटाइल भी है और फैब्रिक्स भी है। सो ये देखें, तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा रियल क्लाइंट लोगो डिज़ाइन कितना खूबसूरत। यहाँ पे मैंने अपने माइंड से कुछ लाइंस क्रिएट किए, उसके बाद मैंने पेन टूल का यूज़ किया और डेक्सेशन टूल का मैंने यूज़ किया, तो कितना खूबसूरत यहाँ पे मेरा लोगो जो है वो क्रिएट हो गया। तो अगर आप इसको यार कोई और भी कलर देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आप दे, ये भी देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो कोई भी आप इस तरह अपना लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने अपने माइंड को गाइस यूज़ करना, ठीक है? तो आपने यार कॉपी नहीं करनी किसी की भी, ठीक है, नेट से या किसी से भी। अपने माइंड से जो है अपने क्लाइंट लोगो जो वो क्रिएट करें, ताकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है। अगर आप अपने माइंड से करते हैं तो आप उसी को कीजिएगा। अब इसका अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने वैसे ही यहाँ पे लगा दी है। तो थंबनेल पे मैं शायद चेंज कर लूँ या यही लगा लूँ, कोई पता नहीं होता, ठीक है। तो गाइस अगर आपको आई होप इस तरह का लोगो आप क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस लोगो को लेकर अगर आप लोग के माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस आप लोग को मेरा लोगो कैसे लगा मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट करके बताना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।